नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज खबर। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से गायब बेटी को बरामद करने की लगाई गुहार, पीड़ित पिता ने एसपी ऑफिस में की है फरियाद। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 5 दिसंबर से गायब है नाबालिग लड़की जोहान उर्फ सज्जू समेत 3 के खिलाफ आरोप। पुलिस ने अपहरण के मामले में दर्ज किया है केस। 15 दिन के बाद भी नहीं हुई है लड़की बरामद। थाने से सुनवाई न होने पर पिता पहुंचा एसपी ऑफिस। कोहनौर थाना के अतरसंड निनवट का मामला बताया जा रहा है। प्रयाग एक्सप्रेस ने उसके लिए प्रतापगढ़ से संवाददाता विनय तिवारी की रिपोर्ट। क्यों आए हैं, क्या है मामला? एसपी ऑफिस क्यों आए हैं? एसपी ऑफिस आए थे, हमारी लड़की का अपहरण किया गया है। मैं कंप्लेन किए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। 5 तारीख का बात मैटर है, आज तक अभी तक कोई, मैं चक्कर काट रहा हूँ कुछ थाने वाने में, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं एसपी ऑफिस में आए थे। कौन अपहरण किया है आपकी बेटी? सज्जू नाम है। कहाँ के रहने वाले? पर्रा। तो थाने पर आप गए थे? जी जी। क्या कार्रवाई हुई पुलिस द्वारा? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। थाने पे दो बार गया, चक्कर काट रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। घर पे हमारे पुलिस भी नहीं जाई गई, कोई सिर्फ इतना बोलते हैं पता करो, बस इतना ही बात होता है। हमारे एक लड़की है, एक लड़का है, 11 साल के लड़का है, 17 साल की हमारी लड़की है, साबिरा नाम है। तो आज आप एसपी ऑफिस आए थे, यहाँ पर क्या हुआ? एसपी ऑफिस आए थे तो फ़ोन किए थे वहाँ पे थाने में, बस इतना ही होता है, इससे आगे कुछ नहीं होता। थाने से फ़ोन करेंगे, वहाँ आगे पुलिस कोई जाता नहीं हमारे घर पे, ना कोई छानबीन नहीं कर रहा है कोई। क्या चाहते हैं आप? हमको चाहते हैं लड़की हमारा बरामद करें, लड़के को हमको सजा चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बफाती है। कहाँ रहने वाले हैं? गाँव निनवट अतरसन है, हमारा मौजा प्रतापगढ़ जिला।